बन रही है। कुछ नहीं करना फिर हमें, देखो ऐसे करेंगे ना, इस सड़क की सड़क आ गई, पूरा ही नजारा बदलता जाने लग रहा है यहाँ पे। चल 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 जय श्री राम भाई और जय बजरंगबली। आज है अपना स्पीति वैली ट्रिप का डे 3 और आज हम फिलहाल में स्पिल्लो हैं। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है ना, जो अपनी नारकंडा से स्पिल्लो तक का रास्ता है, ये स्पिल्लो ना वहाँ पे पड़ता है कल्पा के पास में, तो बीच में 15-15 फुट भी हमें स्नो मिली है। मतलब यूँ है, एक नंबर का रास्ता है, रास्ते बंद है, लैंडस्लाइड भी है, बर्फ भी है, अच्छी ऊंची ऊंची बर्फ है, वो नहीं देखी है तो ऊपर आपको लिंक दे देता हूँ, वरना इससे पहले वाली वीडियो आप जाके देख लेना। आज ना जो टेम्परेचर हो रखा है -6 यहाँ पे टेम्परेचर हो रखा है। फिलहाल में जो गाड़ी के ऊपर में सुबह उठ के देखी थी मैंने, पूरी बर्फ ही बर्फ थी, वो तो गई पिंगल। अब टेम्परेचर जो शो कर रहा है घड़ी के अंदर में -5 में कर रहा है। अब गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं भाई कैसा क्या रिस्पॉन्स रहता है। हीटिंग का मतलब ये, एक बार आप ऑन करके छोड़ दो ताकि जो तेल वेल है पूरा घूम जाए इसके अंदर में। देखो हीटिंग का, इसके एलिमेंट का निशान भी आ रहे हैं यहाँ पे, देखो इसके अंदर में दिखा भी रहा है। अब चला गया, एक और बार इसके अंदर में दे देते हैं, बंद किया अच्छी तरीके से और फिर इसको ऑन करते हैं। ये हमने कर दिया ऑन, गाड़ी तो 5 डिग्री दिखा रही है, वैसे है -5। एक बार जाने देते हैं सारे साइन वाइन, फिर करेंगे इसको स्टार्ट। चलो भाई अब कर देते हैं इसको स्टार्ट। जय बजरंगबली। एक क्रैंक में -5 में तो मतलब यही चीज है कि गाड़ी जभी की जभी स्टार्ट हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आती। और भाई जैसे जैसे हम काजा की तरफ में बढ़ने लग रहे हैं ना, व्यू बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने लग रहा है। पेड़ पौधे गायब हो गए हैं ऑलमोस्ट यहाँ से सारे, और बिल्कुल पत्थरों वाले पहाड़ से है, मतलब सूखे नहीं, मिट्टी टाइप के जैसे ले हुए उस तरीके के नहीं है, पत्थरों वाले से पहाड़ है, एक नंबर का व्यू है। यहाँ पे खतरनाक थे और बहुत ज्यादा रोड है यहाँ पे, सच में सही कहते हैं भाई, वर्ल्ड के सबसे डेंजरस रोड है स्पीति वाले। भाई थार की अब देखते हैं कैसी है, कहीं से लीक तो नहीं है। अब बारी आई है भाई अपनी स्कॉर्पियो एन की घुसाने के लिए, इसमें देखते हैं कितनी बड़बड़ में, भाई बड़बड़ होती है ना जब एकदम सरक जाती है आदमी की, क्या करे, तो वही दिक्कत है बस। और शायद सनरूफ पर इतना प्रेशर गिरे तो क्या पता भाई लीक भी हो जाए। कल्पा से जैसे आगे की तरफ जाते हैं ना काजा की तरफ में, तो जो ये बीच में एरिया पड़ता है ना, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा लैंडस्लाइड है, ऊपर से एवलांच भी यहाँ पे आ रखे। आपने अभी बोर्ड देखा होगा ना, साइड में ले लो एवलांच एरिया, देखो ऊपर से पूरी बर्फ की बर्फ पूरी घिसड़ के जो एवलांच रहते हैं वो नीचे की तरफ में आ रहे, और गाड़ियां मतलब रास्ते यहाँ पे काट रखा है। अगर मान लो यहाँ आगे आ जाए हमारे, तो भाई क्या ही गाड़ी निकलेगी, फिर कुछ निकल ही नहीं सकती, कितने ज्यादा एवलांच आ रहे। देखो यहाँ पे ना इन वैलियों के नजारे हैं, एक नंबर के व्यू है भाई, एक नंबर के। मैं लद्दाख चला गया, मेरे को लद्दाख से ज्यादा जो यहाँ के पहाड़ है ना वो अच्छे लगे हैं। यहाँ तो भाई एक ही रीजन भी हो सकता है, लद्दाख गए तो थोड़ी फटी पड़ी थी इस वजह से दिक्कत आई। अब अच्छे माइंड से जाएंगे तो क्या पता जो अपना लद्दाख वाला सीन है वो बहुत ज्यादा तगड़ा लगे, पर यूं है ये वाले अब बहुत ही ज्यादा प्यारे पहाड़ है, बहुत ही ज्यादा प्यारे, एक नंबर की। अगर जिंदगी में कभी मौका मिले ना तो एक और भाई स्पीति आना जरूर। काजा की तरफ जाते जाते ना बीच में जैसे अपने घाटा लूप्स नहीं आते, उसी तरीके का कुछ रास्ता है भाई ये। अब जो रोड है ना यहाँ से खड़ी चढ़ाई चालू होने लग रही है। अब थोड़ा भाई सिर में दर्द हो रहा है, या तो ड्रोन उड़ा रहा हूँ सिर में दर्द हो रहा है, या फिर भाई थोड़ा सा कुछ हवा की वजह से भी हो रहा है। यहाँ का पता है सीन कैसा है, कहीं तो वैली में हवा है और कहीं वैली में मतलब ठीक है कुछ तरीके का है, पर यूं है एक नंबर के रोड्स हैं यहाँ पे बिल्कुल खाली, हमारे जैसे जो फालतू के लोग हैं ना बस वही दिखेंगे और बाकी जो काम से आ रहे वो हैं। थार का ना ये मजा होता है, अब देखो अच्छी तगड़ी बर्फ है, अब इसमें मारेंगे टक्कर सीधी, चले स्लो करके 4x4 मत लगा, पहले 4x2। ओ फंस गए। चल बैक लेके ले, बस 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 चल अब ले, एक झटके में लेते। यहाँ
जैसे जैसे घाटा लूप से चढ़ने लग रहे हैं ना, तो जो बर्फ है बिल्कुल साइडों में आ गई है गाड़ी के, और गाड़ियां बिल्कुल यूं है यार इसके ऊपर चढ़ाने में। जाहिर सी बात है जब बर्फ दिख जाती है तो लोगों को तो सभी चढ़ाते हैं इनके ऊपर, मजा आ जाता है यार। अब जो ये वाले लूप है ना, यहाँ से जैसे इसके ऊपर चढ़ रहे हैं ना, तो गाड़ी का हॉर्न जैसे लद्दाख में बजना बंद हुआ था ना, वैसे अब जो अपनी थार का और स्कॉर्पियो का दोनों का ही हॉर्न बजना बंद हो गया। बजिए जितना वीडियो में स्लो सुन रहे ना उतना ही स्लो रियल लाइफ में सुन रहे। नजारे आ रहे हैं ना जैसे जैसे धीरे ऊपर चढ़ने लग रहे हैं, तो एक नंबर के नजारे आ रहे हैं भाई, एक नंबर के जिसे कहते हैं। अब से पहले जितने भी लोग आए हैं ना भाई स्पीति में, तो उनको क्या है भाई स्पीति में जाके ही बर्फ मिली है, हमें क्या है रास्ते में ही पूरे में दोनों साइड में बर्फ ही बर्फ देखने को मिल रही है, तो ये चीज बहुत बढ़िया रहा, अपना टाइम का डिसीजन बिल्कुल सही रहा है ये। और जैसे आप नाको फ्रोजन लेक देखने आते हो ना, तो यहाँ से नीचे की तरफ में हमें आना पड़ता है, नाको विलेज जैसे है ना, तो उससे आप नीचे की तरफ में आ जाना, फिर वहां से जाता है अपना नाको फ्रोजन लेक का रास्ता। देखो ये आता है वेलकम टू नाको विलेज। चल 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 आगे लो पहले, ये नहीं चढ़ेगी ना, चढ़े बंटी रहने दे, ना चढ़ पाओगी। और भीड़े भीड़े रास्तों में ना थोड़ा ये सीन भी हो जाता है। अब देखो पीछे की तरफ में भाई फौजी भाइयों की गाड़ी आ गई, तो अब उनको पीछे जाने के लिए थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट पड़ेगा, अपने जाने के लिए भी डिफिकल्ट है, पर फिर भी यूं है यहाँ से बैक तो हमें करनी ही पड़ेगी। चलो भाई बैक में ले जाते हैं अभी गाड़ी को, दिक्कत तो आएगी यार जैसे नाको लेक में जाते हैं तो भीड़ा सही रास्ता है बिल्कुल। अब गाड़ियां जो है ना भाई देखो रास्ते में से निकालने के लिए ये सीन करना पड़ता है, देखो कहाँ पे चढ़ानी पड़ेगी ये गाड़ी। चल भाई चल निकाल, चल 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 चल, सुन अगर आके लेके थोड़ी झटका में ले ले, बस 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 बस, अब एक रन में जान दे, बस बस बस, स्लो 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 स्लो, चल 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 आने दे भाई। ये वीडियो वगैरह में ना इतना पता नहीं चलता, देखो टायर कैसे स्किड होता आने लग रहा है ब्लैक आइस पे, राइट टायर तो चल ही ना रहा, इस साइड दबा, मेरी साइड मेरी साइड मेरी साइड। स्कॉर्पियो ने अपनी यहाँ नीचे खड़ी कर दी है, अब जो रास्ता है भाई यहाँ से ऊपर जाके है, ऊपर जाके पता है क्या सीन है कि गाड़ियां ऊपर ज्यादा जाएंगी नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो ये वाला पैच है ना इतने से ही ऊपर जाएगी, फिर इसके बाद क्या गाड़ी वहां ऊपर लगानी पड़ेगी, या तो वहां ऊपर लगा लो या फिर नीचे की तरफ में लगा लो। अब यहाँ से बिल्कुल भी चौड़ा ही नहीं है, तो गाड़ी थोड़ी सी भी फिसली इधर दीवार में बच जाएगी। थार पे आगे की तरफ में जाने लग रहे हैं, आगे ना वैसे ज्यादा ये भी नहीं जाएगी, ये भी बस थोड़ी दूर ही जाएगी, वो बस चाव से है थोड़ा, इस वजह से थोड़ी सी आगे जाके देख लेते हैं भाई क्या सीन है क्या नहीं है। करीबन ना वैसे यहाँ से 50 मीटर आए होंगे, और 50 मीटर आके रास्ता ही खत्म। अब भाई देखते हैं क्या सीन है, देखो पूरे में तगड़ी वाली ब्लैक आइस है, और अब अपनी थार को लेके आने लग रहे हैं। चलो आने दे, एक गाड़ी ना हमने नीचे बैकअप के लिए छोड़ दी भाई, क्यों क्या पता क्या फंस जाए। एक रन में खेच 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 खेच, बैक ले, बैक थोड़ी बैक ले, बैक लेके जा, अरे मजा आओगे, बैक लेके जा, बैक ले सुन, और खेच का आन दिया एक रन में आ गया तक है, चल 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 चल, बैक ले बैक ले, बैग ले, चल अब आन दे, रिपटे की नहीं आन दे, एक रन मान दे, खेच 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 खेच, थोड़ी सी दूर है वैसे नहीं पड़ेगा रास्ता, चल नहीं पड़ेगा, चल चल, जो ये हुई है ना एक और इस वे में एक और बार ले ले, मजा आ जाएगा, चल ले कर बन गई भाई, बिना देन के नहीं चलेगी, आ जाओ वापसी, एक बार खेच के ले पूरी जोर लगा दे भाई, ले आना यार, ऊपर की तरफ में जो नाको लेक है ना वो बस यही लगा लो आप। चल जेसीबी ना रास्ता बनाने लग रही है इस वजह से, चल इस साइड रख, आने दे आने दे आने दे आने दे, इस साइड रख, इस साइड, इस साइड, चल 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 चल, ये जेसीबी यहाँ से बर्फ को हटाने लग रही है भाई। अब देखो यहाँ पे हमने तो कहीं लोड अल्टो वल्टो देखी नहीं है अभी तक में, यहाँ पे तो है बड़ी बड़ी और ऊंची ऊंची गाड़ियाँ ही जाने लग रही है। अब आगे की तरफ में देखो यहाँ पूरे में ही ब्लैक आइस ही ब्लैक आइस है, इसके ऊपर भाई चलना थोड़ा सा मेरे को आराम से पड़ेगा, अब इसके ऊपर थोड़ा सा आराम आराम से चल के फिर अपनी गाड़ी को निकलवाते हैं। चलाने दे भाई, चल भाई लिया, ब्रेक मत मार, स्लो स्लो जाने दे, स्लो 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 स्लो। और भाई ये देखो हम लोग आ चुके हैं मलंग नाला में,
और ये देखो ऊपर की तरफ से ना पूरा झरना सा बहता है, ये सर्दियों में ना, गर्मियों में ना ये पूरा झरना सा बहता है। अब तो यहाँ पे कोई झरना वरना तो है नहीं, सब कुछ फ्रोजन सा हो गया। वाटर क्रॉसिंग आती है बहुत ज्यादा तगड़ी सी, ये देखो पानी यहाँ से भरने लग रहे हैं, एक नंबर का व्यू है। छोटी मोटी गाड़ियां तो आ भी जाएंगी, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, बस वही है थोड़ी ग्राउंड क्लियरेंस में दिक्कत है। और एक्सट्रीम हो जाएगा ना तब तो हाँ हो सकती है शायद दिक्कत। इतना खतरनाक सीन है ना भाई, इतना खतरनाक सीन है ना सच में। अगर कोई कच्चे दिल का आदमी आ जाए नहीं हमारे घर के आ जाए तो उनका यूं हो जाए कि बस कहाँ ही आ गए। साइड में बिल्कुल खड़ी खाई है और पहाड़ देखो क्या जबरदस्त लग रहे हैं। ये जो आप एप्पल खाते हो ना भाई, वो अगर आप अच्छे एप्पल खाना चाहते हो ना, किन्नौर के और कहाँ के मिलते हैं अच्छे एप्पल? किन्नौर के ही। हाँ। यहाँ पे हर जगह है ना आपको पूरे बाग ही बाग दिखेंगे, नारकंडा से आ गई पूरे एप्पल के बाग ही बाग स्टार्ट हो जाते हैं। अब जो है ये ड्राई एप्पल टेस्ट करके देखते हैं। खाना वाना खा के अब आगे की तरफ में निकल रहे हैं। यहाँ से ना एक वो पड़ती है ग्यू मोनेस्ट्री है कोई, वहाँ पे जाएंगे फिर देखेंगे भाई वहाँ पे जा पाते नहीं जा पाते। रोड से हटके वो 8 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है और वहाँ का रास्ता है बीड़ा, और बता रहे हैं कि वहाँ पे बीच में बर्फ पड़ी है तो 3-4 उन बता दी वही चीज़। तो देख लेते हैं भाई वहाँ पे गाड़ी जाती है नहीं जाती, अगर नहीं जाएगी तो फिर बस बाहर से हाथ जोड़ देंगे। चलो भाई, और जो मोनेस्ट्री है ना वो ये चीज़ है, वहाँ पे जो मम्मी है उसके अभी भी भाई जो नाखून है ना वो बड़े होते हैं। अभी हम लोग हैं भाई सुमदो करके कोई ना यहाँ पे जगह पड़ती है, यहाँ पे क्या है इंडिया और चाइना का बॉर्डर पड़ता है, इस वजह से यहाँ पे 100 रुपये की पर्ची वर्ची काटते हैं बस। और तो क्या करते हैं वैसे यही पूछेंगे कहाँ जा रहे हो कहाँ से नहीं आ रहे हो। वीडियो बना रहे थे, वीडियो बनाने के लिए बना कर दी, तो उन्होंने गाड़ी बैठ के बना लेंगे कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी यार सेफ्टी की चीज़ है ना यार वो, इस वजह से करते ही हैं। और बाकी ठीक है यार ऐसी चीज़ों को अवॉइड ही करना चाहिए। वेलकम टू स्पीति वैली। और जो बॉर्डर है ना एक्चुअल यहाँ पे वो है यहाँ से 19 किलोमीटर दूर, और जो अपने नॉर्मल आदमी है ना वो यहाँ से जा नहीं पाएंगे क्योंकि वहाँ पे यार अपना क्या आएगा, हमको बाघा बॉर्डर थोड़ी जाके परेड देखे आए। बॉर्डर से करीब 2-3 किलोमीटर चलने के बाद में ना ये ग्यू टेम्पल का रास्ता आ जाता है। देखो 500 ईयर ओल्ड मम्मी है। अब यहाँ से क्या है अपने को 9 किलोमीटर थोड़ा सा अंदर की तरफ में जाना पड़ेगा अपने रूट से हटके। इधर से घूम के इधर में चले जाएंगे ना, ये वाला रोड जो जा रहा ये अपना काज की तरफ चले जाएगा और ये वाला चले जाएगा मम्मी की तरफ में। पर यहाँ के रोड ना सही बोल रहे थे कि वो खराब है, आप देखो बिल्कुल एक गाड़ी की जगह है और बड़े खतरनाक से रोड है। अगर यहाँ बर्फ पड़ जाए ना तो यहाँ पे गाड़ी लाना मतलब पूरी मुंह रखता है, पर अभी तो चलो ठीक है साइडों बर्फ है मुंह पर जा सकते हैं। अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ना भाई पूरा ही नजारा बदलता जाने लग रहा है, यहाँ पे बिल्कुल बर्फ भीड़ी भीड़ी होते जाने लग रही है और तगड़े वाला स्लश आते जाने लग रहा है। आज से पहले ना सिर्फ वीडियोज में फिल्मों में सुना था कि भाई आइस के ऊपर में आंख चुंधिया जाती है भाई, और सच में ही अब वही सीन हो रहा है, आंख बिल्कुल चुंधिया सी रही है। ये देखो मतलब आपको ना फोटो वीडियो में कुछ भी नहीं लगेगा पर जो रियल में लग रहा है ना भाई बहुत ज्यादा तगड़ा लग रहा है देखने में, बहुत ज्यादा ऐसा बहुत तगड़ा है भाई। अगर आप लोग आ रहे हैं भाई विंटर्स में, मेरा मानना तो यही है आप ग्यू मोनेस्ट्री यहाँ पे जरूर आना, बहुत तगड़ा ऑफ रोड ट्रैक है ऊपर पे चढ़ के, और क्या तगड़ा व्यू आता है भाई, दिल ही खुश हो जाएगा जिसको कहते हैं ना दिल खुश होना। वो एक और चीज है जैसे मैं कोई नाम गलत ले रहा हूँ ना ग्यू तांगला टाबो, तो देखो दो चीजों का चीज है, एक तो भाई बोलना नहीं आ रहा, ऊपर से अपने हरियाणवी भाषा में रहता कुछ है बोलना कुछ से जाता है, तो इस वजह से भी थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। चावल का सही उपयोग कर रहे हैं भाई, कहीं तो यूज आए कहीं तो काम आए। जैसे जैसे ग्यू मोनेस्ट्री के पास पहुंचने लग रहे हैं वैसे वैसे ही भाई ट्रैक है जो और भी ज्यादा डिफिकल्ट होता जाने लग रहा है। ये फैल गया है सांग, हट जा ये भागने के खुद भी तो देखना पड़ता है। चल भाई चल 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 चल, यहाँ हम भी तो पढ़ांगा। खींचला खींचला तूने कह दी आओगी कैसे भाई, 4x2 के मजे हैं कुछ अलग ही लेवल के। कोई फायदा नहीं है, मिस्त्री नाराज हो गए हैं। फटा भाई हटा, फटा 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 फटा, चल भाई चल पीछे लो टायर में कर का। भाई फंस चुकी है, निकालनी भारी हो रही है। अब लगा रहे हैं हम स्नो चैन गाड़ी के अंदर, अपनी गाड़ी फंस चुकी है। ओए पी 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 की आवाज आ रही, कोई और गाड़ी तो ना आवे यहाँ, कोई ना आवे, ऐसा कोई बाड़क मत लियो जैसे काम कह दे ना तेनू गई की यहाँ खाते पत्थर आऊगा। जैसे देखो अपने घर में लगा रहे थे ना गर्मी में तो आ रहा मजा। हाँ ओहो हो
इधर ठंड में लगा रहा है ना तो यहाँ, पर फिर भी भाई ठंड कम है, ठंड कम है भाई, कम है, हम तो भाग भी लिया थोड़ा सा। स्नो चैन का पैसा तो जब वसूल होगा। बिल्कुल बिल्कुल, या मॉनेस्ट्री पे देख आऊंगा जब तो स्नो चैन काम आई। अब भाई गाड़ी बैक करने का टाइम आ चुका है। 4x2 के भी एक अलग मजे है भाई, अगर आपको मजे लेने हैं ना तो बेसिकली आओ, और लोग मूर्ख भी कहेंगे। चल भाई चल, पकड़ी पकड़ी, कौन से पॉइंट मांग रहे होगा काला कपड़ा तो ये ना। अरे वो कैसे पहली वो, सॉरी भाई, बड़ी मुश्किल चढ़ाई थी परले वाला, दे पहले करो ये पीछे हो जाएगा भाई, कुंदा चला जाएगा पकड़ती ठीक हुई। रुक रुक बता रहा हूं, हां छोड़ दी मेरे पीछे, उतर जाऊंगा कि मैं करना, देखो कुछ नहीं करना बाबूजी, स्पीड बना तू, बन रही है कुछ नहीं करना मेरा, देखो ऐसे करेंगे ना, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, और फिर ऐसे बल्ला से लगा सकते हो, आंगा कितना लग रहा होगा, बहुत आंगो लग रहा, हाथ पांव सारा काला होगा भाई मदारी का खेल हो रहा है क्या इधर, आप ऐसे देख रहे हो, सावल ठा के लेके आओ वाग गिर रखे का है, सर्दी भाई, सर्दी सर्दी, मेरे सोच रहा हूँ वापसी कैसे जाएंगे, टाइम भी तो ज्यादा होगा, अंधेरों भी होगा, टाइम का चक्कर है, ताप भी नहीं पहुंच पाएंगे भाई, लगी 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 लगी, दिखा हाथ सुन होगा बता रहा, चेक क्या लोगो इधर इधर बता रहा, दूर वैसे हमने इतनी मेहनत करी 4x4 में लगा के गाड़ी ने टो करके ले जाता, स्ट्रैप लगानी पड़ती है भाई, अलॉय पे लगे गया तो। बंटी स्लो 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 स्लो, चलो 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 स्लो स्लो जान दे वैसे चल। अरे वाह यार ये तो कुछ पावर सी महसूस हो गया यार, क्या लगा दिया, जो स्लो चैन की परफॉर्मेंस हमने देख ली ना, देखो ये फर्क है, एक इस साइड देखो और एक साइड में स्नो चैन है और एक साइड में नहीं है, तो इस वजह से गाड़ी नहीं चढ़ रही है। चल भाई चल, जाने 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 दे, एक्सेलरेशन दी रख, मंडी स्लो रोक मत, बस बहुत काम किया है, भाई ब्लैक आइस हो चाहे कुछ हो, अगर स्नो चैन हो ना तो गाड़ी जाती है पार। मंडी स्लो, जानते 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 भाई स्नो चैन में भी पूरी तरीके से स्किड कर रही है, एक रोक ही मंडी रोक ले, कहना रहता अड़ज रहा है कुछ चीज भाई, पता है क्या चीज है, नहीं है कामयाब, पता है क्या, देखो सारी जो स्नो चैन है ना इस साइड घिसड़ के आ गई यार, वो पता है क्या, वो मेरे हिसाब से लगी कैडी नहीं थी, हो सके भाई, तो अगर स्नो चैन दोबारा से खोल रहे हैं और बाकी इस गाड़ी को पार्क ही करके जाने में फायदा है, आगे हैवी स्नो है जिसमें टक्कर मार के निकलना पड़ेगा, और मजा पूरा आ रहा है, अब चलते हैं आगे। एक बार स्नो चैन में तो लगा करके अपनी गई फट, देखो क्या तो हाथ के हाल हो गए और क्या ये हो गया, और अंदर से ऐसा लग रहा है कि पाइप वाइप में कहीं लगना गई हो, अंदर टड़ंग 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 होने लगी थी, टड़ंग टड़ंग घंटा बज रहा था भाई, नीचे से देखना पड़ेगा ढंग से, कुछ भी ना है, स्नो ही दिख रही है सिर्फ और कुछ भी ना है। टायर का आगे घेर दे, ऊंचाई हटा दे बस, और अगर आप लोग भी यहाँ पे आ रहे हो ना मोनेस्ट्री वगैरह में या स्पीति में तो थोड़ी सी छाती टाइट करके आना, अंदर तो हमने रख दिया था गाड़ी के अंदर में कंबल और बाहर बांध दिया यहाँ पे पल्लड़।